ओडिशा का पूर्वी शहर पुरी, चारों धामों में से एक धाम पुरी में है जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं मिहिर और आज आपको हम लेकर आए हैं भारत के उस पावन धरती पर जहां वास है भगवान विष्णु के अवतार जग के नाथ यानी जगन्नाथ का। पौराणिक कथाओं में जब भगवान विष्णु चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे धाम बद्रीनाथ जी जाकर स्नान करते हैं, फिर पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पूरब में बसे पुरी में भोजन करते हैं और फिर दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण ने पुरी को निवास स्थान बनाया और बन गए जग के नाथ यानी जगन्नाथ। पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आज वर्तमान में जो ये मंदिर है इसे सातवीं सदी में बनाया गया था। कालांतर में इसका जीर्णोद्वार कई राजाओं द्वारा करवाया गया। ये जो मंदिर हम अभी देख रहे हैं ये द्वादश शताब्दी में निर्मित हुआ है। गंग वंश हमारे पूर्वज महाराजा चोड़गंग देव ने शुरू किया और महाराजा अनंग भीम देव ने उसका पूर्णाहुति की पूर्णांग किया। पर इससे पहले भी कई मंदिर आ चुके हैं। इससे पहले जो मंदिर था वो सोमवंशी महाराजा जजाति केसरी के द्वारा निर्मित शायद 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। तो ये जो मंदिर है ये विशाल मंदिर है, 214 फुट ऊंचाई है और इस मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर जो कि हमारा जो मुख्य मार्ग है, बड़दांड कहते हैं उसको, बड़ा सड़क है बड़दांड, उसके आखिर में है गुंडीचा मंदिर जहाँ पे पहला मन्वंतर में के सतयुग में श्री जगन्नाथ महाप्रभु उस स्थान में आविर्भाव हुए। लगभग 4 लाख वर्गफुट में फैला यह मंदिर करीब 214 फीट ऊंचा है। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातुओं से बना सुदर्शन चक्र है जिसे नील चक्र भी कहते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए चार द्वार हैं। पूर्व दिशा में सिंह द्वार है, दक्षिण दिशा में अश्व द्वार, पश्चिम दिशा में हाथी द्वार और उत्तर दिशा में व्याघ्र द्वार है। पहला मंदिर जगन्नाथ जी का महाराजा इंद्रद्युम्न ने हमारे स्वयंभू मनु के समय, प्रथम मनु के समय में निर्माण किया था, जब परमात्मा परमेश्वर इस रूप में प्रकट हुए। उनके पूर्व रूप माधव का रूप था यानी विष्णु या नारायण का रूप था, तो उस रूप को त्याग करके उन्होंने इस दारु विग्रह का रूप धारण किया महाराजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थना से। वो पहला मंदिर तो पहला प्रथम मनु का समय का था, उसके पश्चात कई मंदिर हो चुके हैं। जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा जग प्रसिद्ध है। हर बरस आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। तो अब बात करते हैं रथ यात्रा की और इसमें शामिल रथों की। उड़ीसा राज्य में पुरी में आयोजित होती जगन्नाथ रथ यात्रा जग प्रसिद्ध है। इस बरस इस अद्भुत आयोजन के तमाम आयामों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की आरएसटीवी की टीम ने। हमारी टीम की खास नजर उन 3 रथों पर रही जिन पर सवार भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। कैसे बनते हैं ये रथ, इस आयोजन में इनकी भूमिका क्या होती है और यात्रा खत्म होने पर इनका क्या होता है? हर साल ये जो रथ यात्रा उत्सव पालित होता है अपने
मंदिर से, अपने रत्न सिंहासन से श्री जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु, देवी सुभद्रा और चक्र सुदर्शन, ये चार मुख्य विग्रह वो जगन्नाथ जी का मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर पधारते हैं और अपना जो जन्म स्थान है वहाँ पे 7 दिन रहने के पश्चात वो वापस फिर अपने मंदिर को लौटते हैं, तो इसको हम रथ यात्रा कहते हैं। इस यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। ये रथ यहाँ हर बरस बनते हैं। रथ निर्माण का काम अक्षय तिथि से शुरू हो जाता है और आने वाले 58 दिनों में रथ मूर्त रूप ले लेते हैं। रथ बनाने की परंपरा 5वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और इन्हें बनाने की लकड़ी दासपल्ला के जंगलों से लाई जाती है। 3 रथ के जो लकड़ी हैं, ये हमारे जो स्वाधीनता के पूर्व जो हमारे राज सत्ता थे, हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, 3 राज्यों से, प्रिंसली स्टेट से ये लकड़ी आते थे। रणपुर, नयागढ़ और दसपल्ला मुख्यतः उनके जो जंगल थे, बहुत अच्छे जंगल थे। अभी भी हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है राज्य सरकार के, वो उसी जंगल से मुख्यतः ये लकड़ी संग्रह करते हैं। रथ निर्माण के लिए बहुत ही स्पेसिफिक लकड़ी की आवश्यकता होती है और हर रथ के अंग के लिए एक निर्दिष्ट लकड़ी व्यवहार होता है। तो करीब करीब 700 किस्म के लकड़ी का आवश्यकता होता है हर रथयात्रा में। आपको बता दें कि रथ निर्माण की परंपरा से एक ही बढ़ई परिवार पुष्ट दर पुष्ट जुड़ा है। इसका निर्माण एक विशेष शास्त्र सम्मत विधि से किया जाता है। RSTV ने मौके पर पाया कि यह निर्माण 3 अलग अलग छावनियों में चल रहा था। पहला रथ भगवान जगन्नाथ जी का, दूसरा देवी सुभद्रा का और तीसरा रथ बलराम जी का। काम बड़ा है और समय कम। सभी कारीगर अपने अपने काम में तल्लीन हैं। किसी को रथ का पहिया बनाने का काम सौंपा गया है, तो किसी को रथ का ऊपरी हिस्सा, तो किसी को आसन। लकड़ी के इन टुकड़ों को रस्सियों के सहारे ऊपर पहुंचाया जा रहा है। मिलिए नरसिंहू महापात्र से। आप भगवान बलभद्र के रथ के मुख्य कारीगर हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से इनके पूर्वज केवल तालध्वज रथ का ही निर्माण करते आ रहे हैं। कारीगर लकड़ियों को काटकर उन्हें आकार देते हैं। अपने नीचे काम करने वाले कारीगरों को नरसिंहू महापात्र काम की बारीकियां समझा रहे हैं। लकड़ी कितनी और कहां से काटनी है। रथ निर्माण में काटने या तराशने का काम पुराने तरीकों से आज भी किया जाता है। जो अक्षय तृतीया से काम शुरू हुआ, ये काम हमारा 58 दिन लगेगा। ये रथ बनाता है, 58 दिन से रथ बनाता है। ये रथ हमारा प्रथम पहला नंबर है चक्का, चक्का पर हमारा अख पर दंडा, ये दंड सब के सब काम हो गया। ये सब दंड रथ का चक के ऊपर हमार दंडा चढ़ गया, दंडा में भुज निराड़ी ये सब काम चढ़ रहा है। तालध्वज बलराम जी का रथ बनाता है। और ये है पूर्णचंद महापात्र। पूर्णचंद महापात्र 6 बरस की उम्र से इस पेशे से जुड़े हुए हैं। ये इनका पुश्तैनी काम है। रथ पर उकेरी जाने वाली कलाकृतियों को जीवंत करना इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये हैं लकड़ी पर खुदा नाट गोगा का चित्र। इनके हाथ में धनुष है और दूसरे हाथ में चाकू।
हमारा नाम रवि भोई है, हम तीनों रथ का सरदार हूँ। रवि उस टीम के मुखिया हैं जो रथ को तपती धूप में भी आकार देते हैं, लकड़ियों को रथ तक लाते हैं, एक सांचे में ढालते हैं, रथ में लकड़ियों को एक एक करके सजाया जाता है। इस तरह धीरे धीरे रथ का ढांचा रूप लेता है। फिलहाल तीनों रथों को मूर्त रूप देने के लिए कुल 77 लोग काम करते हैं। इनमें जगन्नाथ जी के रथ पर 26 लोग, देवी सुभद्रा के रथ पर 25 लोग और बलभद्र के रथ पर 26 लोग काम करते हैं। आपको बता दें कि ये कार्य केवल स्थानीय भोई समाज ही करता है। हमारा बलभद्र जी का रथ में 26 लोग दो जन मुख्य भोई है, वो नंदगोछ रथ का 26 लोग दो जन मुख्य भोई है, और माँ सुभद्रा का 25 लोग दो एक मुख्य भोई है, वो सरदार हैं, वो छः लोग पांच मुख्य भोई एक सरदार का निर्देश है। सब लोग जोटा कि 77 लोग कार्य कर रहे हैं इस काम में। हम ये जो 77 लोग जितना सब बड़ा बड़ा काट वो सब भोयान के महाराणा सेवक को जोगा दिया, वो साला बिंधा में किया, उसका जो ऊपर में जोटा कि अक्ष चौक संजोग किया और सिंगड़ा बाड़िया किया, जोटा कि जनतागढ़ में हम सिंगड़ा बाड़िया किया, जोटा कि 672 और संजोग किया हमारा तुम्भ में। यहाँ लकड़ियों पर चित्रकारी कर उन्हें रंग से सजाया जा रहा है। इसे बाद में रथ से जोड़ा जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी है रूपकार चंद्रशेखर महाराणा की। हम श्री जगन्नाथ जी का बाढ़ का चित्रकार सेवक हूँ, और हमारा यहाँ जितना भाइयों काम में लगे रहे हैं ये सब चित्रकार है, और ये सब जगन्नाथ जी का और बलभद्र जी का और माँ सुभद्रा जी का तीनों रथ का पार्श्व देवताएँ सखियाएँ और कन्यापताएँ ये सब काम हो रहा है। हमारा सामने ये जो है इसे नाट गोड़ कहते हैं, ये रथ के चार द्वार पर वो रहते हैं, वो रथ के रक्षक हैं, और भी बहुत काम बाकी है और पार्श्व देवता का काम तो चल रहे है, अफसरों का काम तो ख़त्म होने वाले हैं, और रथ पर और जो काम सब हो रहा है वो है परिदंडा और गज सिंह बिरल और सिंहासन और रथ का चक्र, ये सब पेंटिंग हो रहा है। देखिए किस तल्लीनता से चंद्रशेखर महाराणा रथ के सारथी को सजाने में लगे हुए हैं। यहाँ तीनों रथों के सारथियों को आकार दिया जा रहा है। ये सभी नीम की लकड़ी से बने हैं। ये है भगवान जगन्नाथ के सारथी दारूक। इसके बाद देवी सुभद्रा के सारथी अर्जुन को सजाया जाएगा, और आखिर में बलभद्र यानी बलराम जी के सारथी मताली को। और यहाँ पर जितना ही सब दारू देवताएं हैं इसको सब रंग हम करते हैं पूर्णमी के दिन से। ये जो है ये है जगन्नाथ जी का और बल ठाकुर जी का और माँ सुभद्रा देवी का तीन सारथी है, इन्हों के निर्देश में बरदांड पर रथ चलते हैं। और ये जो आगे है इसे इसका नाम है मातली, वो बलभद्र जी का देव का सारथी है, और ये जो मध्य में है ये है अर्जुन, ये माँ सुभद्रा का रथ का सारथी है, और ये जो पीछे जो है वो है दारुक, वो जगन्नाथ जी का सारथी है। और ये जो सारथियों का काम सबसे सब काम के बाद किए जाते हैं। रथ को बनाकर तैयार होने में करीब 58 दिन लगते हैं। 2 महीने या 2 महीने के 2 दिन कम है, दो महीने नहीं लगता है, 2 महीने के 2 दिन कम से ये कंप्लीट हो जाता है। अक्षय तृतीया तिथि से ये शुरू होता है और श्रीगुंडीचा के पहला दिन वो खत्म हो जाता है। इनका अलंकरण किया जाता है पूरे विधि विधान ढोल नगाड़े और नृत्य के साथ।
तीनों रथ अलग अलग रूप और आकार के हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई करीब 45 फीट है। इसमें 832 अलग अलग काष्ठ खंड का इस्तेमाल होता है। इसमें 16 पहिए लगे हुए हैं। इसको सुशोभित करते हैं लाल और पीले रंग के नंदी घोष, जिसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इसके सारथी हैं दारुक। रथ पर लगी लाल पताका का नाम है त्रिलोक्य मोहिनी। रथ को शंख, बालाहक, श्वेत और हरिदास नाम के सफेद घोड़े खींचते हैं। रथ के रक्षक हैं नरसिंह और रथ के द्वारपाल के रूप में खुद विराजमान हैं देवराज इंद्र और ब्रह्मा। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का रथ इस यात्रा में सबसे पीछे चलता है। देवी सुभद्रा का रथ लाल और काले रंग का है, जिसे दर्प दलन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट है। इसमें 12 पहिए लगे हैं। रथ के सारथी हैं अर्जुन। इस रथ की रक्षक हैं जयदुर्गा। रथ पर लगी पताका का नाम है नदंबिका और भूरे रंग के रोचिका, मोचिरा, जीत और अपराजिता नाम के घोड़े इस रथ को खींचते हैं। देवी सुभद्रा का रथ यात्रा के दौरान बीच में होता है। बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम जी का रथ ये लाल और हरे रंग का होता है। इस रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है, यानी बलराम जी का रथ 14 पहियों का होता है। इसके सारथी हैं मताली। रथ पर लहराने वाली पताका का नाम उन्नानी है। चार काले रंग के घोड़े इस रथ को खींचते हैं। यात्रा के दिन ये रथ सबसे आगे होता है। जो रथ में भगवान सुभद्रा बलराम बैठेंगे, बीच वाले में सुभद्रा बैठेंगे, सबसे पीछे भगवान कृष्ण बैठेंगे। इस रथ को खींचते हुए ले जाएंगे गुंडिजा चौराहे पर। हर बरस दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने पुरी पहुंचते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए कहावत है कि यह यात्रा समाज के सभी वर्गों में एकता पैदा करती है। इसके लिए भगवान खुद मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं, ताकि हर वर्ग के लोग उनके दर्शन आसानी से कर सकें। किंवदंती यह भी है कि रथ में लगे रस्सों को खींचने से मोक्ष मिलता है। मंदिर का अंदर रहेंगे तो सब कोई उनका दर्शन कर नहीं पाएंगे। और हमारा सनातन वैदिक धर्म का जो ये प्रसिद्ध परंपरा है हर मंदिर में, कि मूल विग्रह जो हैं वो कभी भी गर्भगृह त्याग नहीं करते हैं। और मंदिर में जितने भी त्यौहार होते हैं बाहर, उनके जो चल मूर्ति होते हैं, उत्सव विग्रह होते हैं, वो पधारते हैं। पर यहाँ पे जगन्नाथ जी का न्यारा परंपरा में जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आते हैं, क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। सबको अधिकार है उनका, जगन्नाथ जी का दर्शन और उपासना के लिए। तो ये त्यौहार इसलिए ये महत्व रखता है कि हर संप्रदाय, हर तरह के, हर गोष्ठी के लोग, भक्त इसमें आके इसमें भगवान जी का रथ को खींच सकते हैं, भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं और भगवान जी का सहित अपना अंतरंग नाता जोड़ संपर्क जोड़ सकते हैं।
सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इसका एक ये अति उत्तम दृष्टांत है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। भगवान जी का रथ यात्रा है, भगवान जी का रथ यात्रा इसलिए निकलता है कि भगवान जी सारे लोगों को दर्शन दे सकते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या कोई भी, जो चार जात रखते हैं, चार जात में हम लोग सारी जात दर्शन कर सकते हैं वहाँ पर। भगवान जी इसीलिए रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, बोलते तो हम उसी घर में जाते हैं, कहते हैं 9 दिन। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र को मंदिर से बाहर लाकर रथ पर बैठाया जाता है। रवानगी से पहले शंकराचार्य रथों पर सवार तीनों देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। गजपति महाराज फिर सोने की झाड़ू से तीनों रथों की विधि पूर्वक साफ सफाई करते हैं। उसके उपरांत रथ प्रस्थान करते हैं। तीनों रथों को श्रद्धालु खींचकर मुख्य जगन्नाथ मंदिर से उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। अगले 7 दिनों तक श्री जगन्नाथ जी यहीं निवास करते हैं। इसके बाद वापस गुंडीचा मंदिर से भगवान के रथ को खींचकर जगन्नाथ मंदिर तक लाया जाता है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। मंदिर तक लाने के बाद प्रतिमाओं को पुनः गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। यात्रा समाप्त होती है। जो क्राउड यूजुअली होता है 3 दिन होता है, प्राइमरीली रथ यात्रा के दिन होता है जब भगवान गुंडीचा टेम्पल के लिए जाते हैं, उसको गुंडीचा यात्रा बोलते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं उसको बाहुड़ा बोलते हैं, और एक सोना बेस होता है जो सोने का उनका कलेवर चढ़ाते हैं। वो तीनों दिन मैक्सिमम क्राउड रहता है, 4-5 ले लेके 10 लाख तक का क्राउड यूजुअली फुटफॉल होता है। पिछले 8-10 साल से मेरी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी यहाँ दर्शन करने के लिए, पर मेरा गुड लक है कि आफ्टरऑल मैं पहुँच मतलब यहाँ आ चुका हूँ दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे 8 से 10 साल से आता हूँ। जब रथ यात्रा होती है तभी हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अभी थोड़ा जल्दी आ गए हैं। मैं यहाँ हर साल आते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पर आकर, और बाबा से जो भी मांगते हैं वो हमेशा मिलता भी है। और जाते जाते आपके मन में भी एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि इतनी मेहनत से बने ये रथ यात्रा की समाप्ति के बाद कहाँ चले जाते हैं, और ये रथ दोबारा लकड़ी में तब्दील हो जाते हैं, और इस लकड़ी का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ की रसोई में 56 भोग बनाने में होता है, और फिर अगले साल यही कवायद दोहराई जाती है। रथ यात्रा के पश्चात ये तीनों रथ को खोल के जितना भी लकड़ी है ये तीनों रथ में उपयोगी हुए हैं, वो सब जगन्नाथ जी के रसोई घर को जाता है भगवान जी का महाप्रसाद बनाने के लिए। जगन्नाथ यात्रा पूरे विश्व में सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसका जिक्र हमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला संहिता में देखने को मिलता है। फिलहाल इस अंक में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।